हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सदन में हो रही इन चर्चाओं के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से खास मुलाकात की। सीएम बनने के बाद ये पीएम मोदी से उनकी पहली मुलाकात थी। दिल्ली हिंसा का मुद्दा सदन के अंदर हंगामा मचा रहा था, मगर सदन के बाहर दिल्ली के सीएम पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। कुछ देर की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कयासों का दौर रफ्तार पकड़ने लगा। इस बैठक में क्या बातें हुई और किन मुद्दों पर चर्चा की गई, ये हर कोई जानना चाहता था। तभी तो सीएम केजरीवाल के बाहर आने के बाद मीडिया का पूरा जत्था उनके पास पहुँच गया। मीडिया से बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने बताया कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और उन्होंने पीएम मोदी से दिल्ली के विकास के लिए सहयोग मांगा है, जिसकी हामी पीएम मोदी ने भर दी है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने बताया कि कोरोना वायरस का एक मामला दिल्ली में भी आ गया है, जिसके बारे में भी पीएम मोदी ने मिलकर काम करने का आश्वासन दिल्ली के सीएम को दिया है। शिष्टाचार मुलाकात थी, कर्टसी कॉल थी। चुनाव जीतने के बाद मैंने उनसे समय मांगा था और आज मुलाकात हुई। मैंने अगले 5 साल दिल्ली का विकास करने के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए उनसे सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से दिल्ली के कामों के लिए सहयोग करेंगे। और कोरोना वायरस को लेके चर्चा हुई कि जो जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और पहला केस अभी दिल्ली में निकला है, एक केस तेलंगाना में निकला है और उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर काम करेंगे ताकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दुनिया भर में जहां भी जिस भी देश में गई है बहुत तेजी से फैली है, तो इसमें मिलकर हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि ये इसको फैलने से रोका जाए। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की और कहा कि दिल्ली पुलिस ने अफवाहों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उनसे अभी पिछले कुछ दिनों में जो दिल्ली में हालात हुए उस पर भी चर्चा हुई। मैंने उनको बताया कि अभी इतवार को दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत जबरदस्त अफवाहें फैली थी, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स सड़क पे उतर के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और एक बहुत बड़े हादसे को उन्होंने रोका। हालांकि दिल्ली हिंसा के वक्त पुलिस की नाकामी को लेकर शायद कोई चर्चा सीएम केजरीवाल ने नहीं की, क्योंकि उनकी पार्टी राज्यसभा में लगातार इस बात को लेकर गृह मंत्री को घेर रही है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। इस मुलाकात के बाद सियासत क्या रुख अपनाती है ये तो समय बताएगा, मगर इस मुलाकात से पहले ही सीएम केजरीवाल की आलोचनाएं शुरू हो गई थी। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट के जरिए सीएम केजरीवाल की इन मुलाकातों पर तंज कसा। उन्होंने लिखा था, केजरीवाल अब आदर्श नहीं रह गए हैं जो सही चीजों के लिए लड़ता था, जो राजनीति को बदलने के लिए राजनीति में उतरा था, लेकिन राजनीति ने ही उन्हें बदल दिया। हैरानी की बात नहीं है कि दिल्ली दंगों के दौरान वो दिखाई नहीं दिए और न ही न्याय के लिए खड़े हुए, अब वह सिर्फ राजनेता हैं जिसके लिए वोट अहम है। दिल्ली हिंसा से लेकर मंगलवार तक सीएम केजरीवाल 4 बैठकें केंद्र के साथ कर चुके हैं और उनकी हर बैठक के बाद सियासत ने नई करवट ली है। फिर चाहे ताहिर हुसैन का नाम सामने आना, कन्हैया और उमर खालिद की फाइल को केंद्र की तरफ बढ़ाना और मंगलवार को शाहरुख का गिरफ्तार होना, यही नहीं इस बैठक के 6 से 7 घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस एक बयान जारी करती है कि 24 और 25 की रात को ताहिर हुसैन को पुलिस ने ही रेस्क्यू किया था, जिसका दावा पार्षद ताहिर हुसैन पहले से ही कर रहे थे। क्या आपने ताहिर को रेस्क्यू कराया था, क्योंकि उसने अपने इंटरव्यू में आपका नाम लिया है कि अजीत सिंगला साहब ने हमें रेस्क्यू कराया था, वो आप कब गए थे उनके घर? वो रात को जो कह रहे हैं 11:30-12 बजे की बात है। किस तारीख को सर? ये 24 से 25 की रात है, तब की बात यह है, तब कुछ लोगों ने बताया था कि
कोई आदमी है जो काउंसलर फंसा हुआ है वो इनस्कोर फील कर रहा है, तो उसको हमने बुलाया था नीचे, ये आ गया था साथ में, एक आदमी था इसके, यंग आदमी था, तो इसको फिर हमने इनके जो साथ पब्लिक जिन्होंने कहा था शिकायत थी उनको हैंडओवर कर दिया। दिल्ली सरकार और केंद्र की ये नजदीकी चुनावों के बाद से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, खासकर दिल्ली हिंसा के बाद बैठकों और फैसलों का दौर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि मंगलवार से पहले खुद आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली पुलिस पर न जाने किस किस तरह के आरोप लगा रही थी, मगर पीएम से मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा के खिलाफ खुद सीएम केजरीवाल ने कोई भी आपत्ति अब तक नहीं जताई है, शायद वो सियासी मंत्रों में मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।